वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी नेता मनोज सिन्हा के खुलेआम गुंडई सामने आई। गाड़ी को ओवरटेक करने के चलते टक्कर हुई। मनोज सिंह की गाड़ी से टकरा गई थी युवती की गाड़ी। सपा नेता ने भाई बहन से मारपीट की, बदसलूकी की। भीड़ के विरोध के बाद भागे हैं सपा नेता। गोमती नगर के फन मॉल के पास का ये पूरा मामला है, जहां समाजवादी पार्टी से जुड़े ये शख्स मनोज सिंह गुंडई करते हुए नजर आए। अपनी गाड़ी से ओवरटेक करके एक युवती की गाड़ी को टक्कर मार दी, उसको और उसके भाई को पीटना शुरू कर दिया। और जब भीड़ ने इकट्ठा होकर विरोध किया तो वहां से भाग निकला सपा नेता। तो समाजवादी पार्टी नेता मनोज सिंह की खुलेआम गुंडई का मामला सामने आया है। गाड़ी के ओवरटेक करने के चलते टक्कर हुई और उसके बाद बदसलूकी की, मारपीट की एक युवती और उसके भाई के साथ। हमारा छोटा भाई अपनी बहन को ऑफिस से लेने के लिए जा रहा था, उससे गलती से गाड़ी लड़ गई उनकी, तो पूरे इनकी काफिले ने, इनके पूरे काफिले ने रोक के हमारे छोटे वाले भाई को। ये सपा के एक सर कोई है विधायक, उन्होंने रोक के हमारे भाई को बहुत ही बेरहमी से मारा। तीनों गाड़ी उसके बाद जब बहन में जो गनर थे उनके, उसने भी मारा है। इस चौराहे की अगर आप कैमरा रिकॉर्डिंग निकालेंगे सब उसमें दिखाई देगा। विवाद ये होता कि हमारे छोटे भाई से गाड़ी लड़ गई, आप देख सकते हैं क्या लड़ी है। कोई नुकसान नहीं हुआ, प्लस हमारे छोटे भाई के 3 मोबाइल आईफोन जो 50,000 के वो छीन के ले गए। हमारी बहन आई बैठे थे गाड़ी में, जी हाँ गोली वाले थे, और विधायक जी पैसा खाने को सोच रहे। हमारे भाई, हमारी बहन आई तो उससे बदतमीजी कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ छोड़ा गया, उनके काफिले ने हाथ छोड़ा, पूरा सब चढ़ गए यहाँ पे। मयूर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मयूर, ये जो पूरा मामला सामने आया है जहां सपा नेता ने एक युवती के साथ, उसके भाई के साथ बदसलूकी की है, मनोज सिंह नाम का ये शख्स है जिसके ऊपर ये पूरा आरोप लग रहा है, क्या कुछ अपडेट देंगे? जी देखिए, बलिया के समाजवादी पार्टी के नेता हैं मनोज सिंह। कल रात की ये घटना है। घटना इस तरह की है कि इनकी जो नेता है, इनकी गाड़ियां वहां पे मौजूद थी चौराहे पर, पीछे से युवती और उसका भाई जो कि बहुत तेज रफ्तार में नहीं थे, हल्की रफ्तार में उनकी गाड़ी टच हो गई। और टच होने के बाद इसमें वाद विवाद हुआ, जिसके बाद उनके गनर और उनके जो तमाम समर्थक वहां पे मौजूद थे वो बाहर निकले और उन्होंने इन लोगों के साथ मारपीट की, युवती के साथ, जो भी ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे हैं। हालांकि उसका कोई फुटेज अभी हमारे सामने नहीं आया है, मारपीट का कोई वीडियो नहीं आया है। ऐसा इन लोगों का आरोप है कि उनके भाई को 4-5 लोगों ने मारा है और उसके बाद युवती के साथ जो है छेड़छाड़ की है, उसको धक्का दिया है। लेकिन अभी तक उसमें से एक व्यक्ति जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि मौके पर ही पकड़ लिया गया था। और इन लोग का कहना है कि नेताजी भी, जो कि समाजवादी पार्टी के मनोज सिंह बलिया से नेता है, वो भी वहां मौजूद थे और वो दूसरी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गए। और इनके आईफोन, 2 से 3 आईफोन बता रहे हैं जो कि 50,000 की कीमत के हैं, वो उन्होंने छीन लिया है। मौके पर पुलिस आई, पुलिस ने पूरी बात को समझा और एक जो व्यक्ति था उसको गिरफ्तार करके थाने में ले जाया गया है। और आगे अभी किस तरीके से तफ्तीश हो रही है और किस तरीके से क्या कुछ जानकारी है, थोड़ी देर में अपडेट होगा। इना जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया मयूर आपका। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।